हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड टू स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं अंतिम द फाइनल ट्रुथ। एक्चुअली मैं अंतिम का रिव्यू करने में मुझे थोड़ा सा टाइम इस वजह से लगा क्योंकि कुछ जो रिव्यूअर्स हैं वो बहुत ही खराब मूवी बता रहे हैं, कुछ लोग एवरेज बता रहे हैं, कुछ लोग ओके ओके बता रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी बता रहे हैं, माइंड ब्लोइंग मूवी बता रहे हैं, मस्ट वॉच मूवी बता रहे हैं। तो यही सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज हमने ये रिव्यू बनाया है और ये थोड़ा सा हटकर रिव्यू है। तो आज हम सबसे पहले आपको उन लोगों का रिव्यू दिखाते हैं, पब्लिक का रिव्यू दिखाते हैं और कुछ उन लोगों का रिव्यू दिखाते हैं जिन्होंने इस मूवी को मस्ट वॉच बोला है और ज़बरदस्त बोला है। अच्छा लगा देख के, इमोशनल भी है और कॉमेडी भी है, तो अच्छा एक्सपीरियंस मिला। फर्स्ट हाफ बहुत ज़बरदस्त है और जो इसके अंदर सलमान खान की जो किरदार है, पहली बार देखा गया कि मतलब इतना दिल से और इतना जो है प्यार से जो है और बहुत अलग तरीके से सलमान खान ने अपना जो है पूरा काम पे ध्यान दिया है। मुझे बहुत अच्छी लगी मैडम, बहुत पसंद, बहुत अच्छी फिल्म है। मुझे बहुत आंखों में आंसू भी थे लास्ट टाइम, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है। कोई जरूरत ही नहीं है, शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, इतनी ज़बरदस्त मूवी है। बहुत अच्छी, बहुत सुपर मूवी सलमान खान की ये मूवी। वेट, आई वॉज वेटिंग कि कब आए। राधे तो हमने देखी थी मोबाइल पे, पर असली मज़ा आपको पता है 70 mm की स्क्रीन पर ही आता है। सो या दैट्स व्हाट द फाइनल ट्रुथ देखा मैंने अभी अभी थिएटर में। यार लेट मी टेल यू द फाइनल ट्रुथ, दिल से बोल रहा हूँ, आयुष शर्मा इज अ वेरी 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 गुड एक्टर यार। अरे व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट एन एक्टिंग परफॉर्मेंस, ही लेफ्ट मी एब्सोल्युटली अमेज्ड एंड एब्सोल्युटली इंप्रेस्ड। अब मुझे नहीं पता कुछ लोग जबरदस्ती फिल्म को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें सलमान खान है। पसंद ना पसंद एक तरफ, लेकिन झूठ तो मत बोलो कम से कम। अब आपको दिखाते हैं उन लोगों का रिव्यू जिन लोगों ने इस मूवी की बुराई करी है और सलमान खान की बुराई करी है और कहा है कि ये एक बिल्कुल बकवास मूवी है और एवरेज मूवी है, ओके ओके है। तो अब आपको दिखाते हैं उन लोगों का रिव्यू। फिल्म का हीरो जो एक गुंडा है और जिसका वजन तकरीबन 55-60 किलो होगा, लुक्खा सा है, ऐसा लगता है जैसे छिला हुआ मुर्गा। और इस फिल्म में दूसरा मेन कैरेक्टर है एक पुलिस वाला जिसकी उम्र होगी तकरीबन 50-60 साल। तो इस पुलिस वाले का नाम हम रख लेते हैं बुढ़ऊ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया की एक ऐसी प्रजाति, ऐसी ब्रीड की जो बड़ी मुश्किल से पाई जाती है। मान के चलिए कि ये एक अजूबा है जो हमारे इंडिया को मिल गया है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मिस्टर KRK की, जो खुद बुढ़ाऊ होने के साथ साथ दूसरे लोगों को बुढ़ाऊ बताते हैं। ये रिव्यू जो करते हैं वो ऐसा रिव्यू करते हैं कि इन्हें कहानी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें एक्शन से कोई मतलब नहीं है, इन्हें एक्टिंग से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है कि एक्टर की एज क्या है। एक्टर की एज है 50-55 साल। इन्हें मतलब है कि जो दूसरा लड़का है इसमें आयुष, वो लुक्खा सा है, वो छिला हुआ सा है। तो भाई मेरे KRK, अगर आपके नज़रिए से मूवी के रिव्यू करने लगे तो यहाँ पे टॉम हैंक हुआ, ब्रैड पिट हुआ, टॉम क्रूज हुआ, इनको तो फिर एक्टिंग करनी ही नहीं चाहिए। भाई अगर आप रिव्यू दे रहे हो तो कहानी के बेस पे दो, एक्शन के बेस पे दो, स्टोरी के बेस पे दो, डायरेक्शन के बेस पे दो, लेकिन आपके बस की ये बात तो है नहीं। आप रिव्यू करते हैं और उसमें पूरी कहानी बता देते हैं तो लोगों का पहले ही आपका रिव्यू देखने के बाद मज़ा बिगड़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप कहानी स्पॉइलर देते ही हो रिव्यू में। रिव्यू जो करे जाते हैं वो इस तरह से थोड़ा ना करे जाते जो आप अपने हिसाब से करते हो, पूरी कहानी स्पॉइल कर देते हो। आप पहले रिव्यू देना सीखे उसके बाद में आप सलमान खान की मूवी को जज करिए। एवरेज ही लगी। अभी आप बोले कि आपको सत्यमजीत भी एवरेज लगी थी, अरे वो अलग टाइप पिक्चर थी, वो 80s की मसाले वाली पिक्चर थी। ये भी एक मसाले फिल्म वाली फिल्म है, कुछ जगह पे अच्छे डायलॉग्स है, थ्रू आउट द फिल्म अच्छे डायलॉग्स नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे पिक्चर का इतना वीक है सेकेंड हाफ में कि सेकेंड हाफ पूरा फ्लैट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे बंदे की जो गेटी गैलेक्सी के दरवाजे पे दारू पी के हमेशा पड़ा रहता है और बहुत सारे लोग आते हैं इसका रिव्यू लेने के लिए, उसको एक क्वार्टर के पैसे देते हैं और इससे रिव्यू ले लेते हैं। उसके बावजूद इसने एक जुर्रत ये भी कही है कि इसने अपना चैनल बना लिया साहब, और ये सलमान भाई की मूवी को कह रहा है कि मज़ा नहीं आया, ओके ओके है और ये वो है। भाई इतना नशा करके मूवी देखेगा तो भाई तेरी समझ में कैसे आएगी। पहले अपने आप को नशे से मुक्त कर, उसके बाद में मूवी रिव्यू कर। इसकी आंखों से ही साफ पता लगता है कि ये जो है कितना नशा करके आया है, कितना गांजा फूंक के आया है। अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को डेवलप करने पर थोड़ा सा समय दिया जाता तो फिल्म हमें और भी अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती थी। जैसे कि जिसु सेन गुप्ता का जो पीटर का कैरेक्टर था,
उसके बारे में और थोड़ा सा फिल्म में बताया जा सकता था, उस कैरेक्टर को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। ऐसे और भी कई सारे फिल्में छोटे मोटे जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे उनको डेवलप करने पर थोड़ा सा और फोकस किया जा सकता था। पर ओवरऑल अगर आप फिल्म थिएटर में देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। ना कुछ कुछ जगहों पे मूवी उस बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ज्यादा यूज कर लेती है, मतलब सीन के अंदर कुछ चल नहीं रहा लेकिन फिर भी जोर जोर से बजा रहे हैं ऐसे, थोड़ा और जोर से घुमा रहा था मैं उड़ गया था। सीन क्या है, भाई जान चल के आ रहे, कैमरा पैरों से ट्रैक होते हुए चेहरे पे जाता है, बैकग्राउंड में बजा रहे जोर जोर से, मतलब अब भाई जान है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। और यही है अंतिम मूवी का फाइनल ट्रुथ। अब बात कर लेते हैं प्रतीक बरोड़े और बीएनएफ टीवी के रिव्यू की। तो गाइज इनका रिव्यू को मैं बहुत जल्दी आपको समझा दूंगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो गाइज असल में जब सूर्यवंशी रिलीज हुई थी तो इनके मुंह से बिल्कुल भी बुराई नहीं निकली, बिल्कुल भी इनको बहुत मास एंटरटेनमेंट मूवी है। तो भाई मुझे लगता है कि आप लोगों ने मास एंटरटेनमेंट मूवी देखी नहीं है। अगर आपने मास एंटरटेनमेंट मूवी देखी होती तो आप सूर्यवंशी की इतनी तारीफ ना करते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक वन टाइम कहो वन बिलो एवरेज मूवी थी। उसके अलावा अब जब सलमान भाई की मूवी रिलीज हुई है तो आपको ये एवरेज मूवी लग रही है, ओके मूवी लग रही है। आप जो जिसका रिमेक हुआ है उस मूवी की बात कर रहे हो, सलमान भाई की बात करते हो और कहते हो मैं सलमान भाई की बुराई नहीं कर सकता और रिव्यू तुम सलमान भाई का ऐसा कर रहे हो। तो गाइज अगर आप लोगों से रिव्यू नहीं दिया जाता सलमान भाई का तो मत दीजिए, झूठ मत बोलिए रिव्यू में। तो गाइज इन सब सड़े हुए लोगों का रिव्यू हटाकर हम बात करते हैं अपने रिव्यू की कि ये मूवी आपका टाइम डिजर्व करती है एक्चुअली में या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कहानी की। तो कहानी शुरू होती है राहुल से, जो कि एक पुणे के गांव से पुणे की सिटी में आ जाता है और वहां पर वो पुणे का भाई बन जाता है। और सलमान खान की बात करें तो वो एक पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहे हैं। और देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या राहुल अपने मकसद में कामयाब हो पाता है या सलमान खान उसको रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। पूरी जितनी भी गैंग्स चल रही हैं पुणे में उन सबको नाकाम करने में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो अगर आपको ये सब जानना है तो आपको देखनी पड़ेगी अंतिम द फाइनल ट्रुथ। बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्शन की। तो इस मूवी का डायरेक्शन जो किया है वो महेश मंजरेकर ने किया है और मैं क्या बताऊं, जबरदस्त डायरेक्शन उन्होंने इस मूवी में दिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि सलमान खान से काम लेना अच्छे अच्छे बस की डायरेक्टर की बात नहीं, क्योंकि वो किसी की चलने ही नहीं देते। तो इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे काम किया है और सलमान खान को अपने हद में रखा है। बात करें सभी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आयुष्मान का कैरेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे ठीक ठाक लगा, ओके। और अगर कोई एक मंझवा एक्टर अच्छा एक्टर उनकी जगह होता तो और बेटर उनके परफॉर्मेंस को दे सकता था, लेकिन यहाँ पर कहानी इतनी ज़्यादा पेसफुल है कि उनके एक्टिंग पे आपकी ज़्यादा ध्यान जाएगा नहीं और आपको कहानी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि उनका एक्टिंग की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाना ही नहीं है। अब बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान ने बहुत ही कंट्रोल में एक्टिंग की है। जैसा कि पिछली राधे में जो उनके स्टारडम में कुछ एक्टिंग होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टारडम उनका दिखाया जाता है, तो यहाँ पे वो बिल्कुल मिसिंग नजर आता है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम डाउन होके उन्होंने एक्टिंग की है जो कि बहुत ही डिसेंट लगती है। काफ़ी टाइम बाद मैं कहूँगा कि सलमान भाई वापसी कर रहे हैं। इन सब के अलावा मैं बात करूँ तो फिल्म का जो BGM है वो बहुत ही कमाल का है। इतना ज़बरदस्त BGM इस मूवी में दिया गया है कि बिल्कुल पूरी कहानी को सूट करता है और बहुत जितने भी एक्शन सीक्वेंस और एंट्री सीन्स हैं उसमें जब BGM बजता है तो मज़ा ही आ जाता है। तो तारीफ तो मैंने बहुत ज़्यादा कर दी इस मूवी की, तो हर मूवी में कुछ ना कुछ कमी तो होती हैं, लेकिन इस मूवी में जो कमी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो मेरे हिसाब से तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे। क्योंकि हो सकता है कि ये महाराष्ट्र की मूवी है जो जिसका रिमेक हुआ है तो उसकी थोड़ा सा टच देने के लिए इस तरह के सॉन्ग्स डाले हों, लेकिन हमारी इधर की साइड की जो पब्लिक है उसको तो ये सॉन्ग्स पसंद आने नहीं है। उसके अलावा बात करें तो फर्स्ट हाफ जो है वो मूवी का वो सुपर्ब है, माइंड ब्लोइंग। कब आप बैठोगे और कब इंटरवल हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा, इतना ज़बरदस्त फर्स्ट हाफ है इसका। उसके अलावा बात करें सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ में मूवी थोड़ा सा स्लो हो जाती है और थोड़ा सा अपने जो जिस प्लेटफॉर्म पे चल रही होती है उस प्लेटफॉर्म को चेंज करके थोड़ा इमोशनल हो जाती है, तो थोड़ा सा आप सेकंड हाफ में इसमें बोर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्रिटिक्स की, कि क्रिटिक्स ने इस मूवी को क्या पसंद किया है नहीं किया है। तो IMDb पे अगर हम चेक करें तो इसकी जो रेटिंग है वो 8+ की है। तो अगर आप फॉलोज करते हैं IMDb वगैरह के रिव्यूज़ को तो आप समझ सकते हैं कि 8+ की मूवी किस कैटेगरी में आती हैं।
उसके अलावा बात करें अदर क्रिटिक्स की, तो ज्यादातर क्रिटिक्स ने इसको अच्छा बोला है। उसके अलावा जो हेटर्स जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मूवी को, उनके रिव्यू पे आप बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि वो जानबूझ कर इस मूवी को सलमान खान के होने की वजह से खराब बता रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। उसके अलावा बात करें मेरी, तो मुझे काफी टाइम बाद सलमान भाई की एक एंटरटेनमेंट थ्रिलर देखने को मिली, जिसे देखकर बहुत मजा आया। हॉल में बहुत ज्यादा सीटियां बजी, बहुत ज्यादा तालियां बजी, और ऐसी ही मूवी हम एक्सपेक्ट करते हैं सलमान भाई से, ना कि जो पिछली मूवी उनकी राधे आई थी द मोस्ट वांटेड भाई, वो बिल्कुल सड़ी हुई मूवी थी। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू अंतिम द फाइनल ट्रुथ को लेकर। अगर आपको मेरा रिव्यू जरा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर नीचे जरूर बताएं, और अगर मेरे रिव्यू से कुछ लोगों को तकलीफ हुई हो तो गाइस सिर्फ और सिर्फ ये रिव्यू एंटरटेनमेंट के लिए था। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, और उसके अलावा नीचे दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। उससे ये होगा कि हमारी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको डायरेक्टली सबसे पहले मिलेंगे। देखते रहिए स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।